नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर, आज जबरदस्त प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। स्टार का एक क्रिटिकल केयर प्लान आता है जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट फीचर्स के साथ है। आज तक आपने जो भी क्रिटिकल इलनेस प्लान देखे होंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लमसम पैसा मिलता है, बट ये अपने आप में अकेला ऐसा प्लान है जो इलाज भी देता है और लमसम पैसा भी देता है। हाँ दोस्तों, इलाज भी कैशलेस मिलेगा और लमसम पैसा भी मिलेगा। दोनों ही प्लान इसके अंदर कवर्ड है, दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर कवर्ड है। ये बहुत ही स्पेशल प्लान है, प्लीज एंड तक देखिएगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के सामने, आपको वीडियो बहुत अच्छी सी लगेगी, समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले समय वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ कौन लोग इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं, कौन ले सकते हैं और कौन नहीं। एज ऑफ एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं रहते हैं, ओनली 18 से 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और सम इंश्योर्ड की बात कर लें, 2, 3, 4, 5 और 10 लाख का तक का पॉलिसी इस पॉलिसी के अंदर लिया जा सकता है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। यह है पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ऑप्शन में मिलती है, फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में नहीं मिलती है दोस्तों। इसका खास ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अपने लिए देख रहे हैं, फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो दिस इज फॉर इंडिविजुअल ऑप्शन, और बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं है। रूम रेंट की इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, 2% की इसमें लिमिट है, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की पॉलिसी। अगर 2 लाख के लिए तो मैक्सिमम 4,000 रुपये पर डे तक का रूम ले सकते हैं, और ओवरऑल लिमिट मैक्सिमम 4,000 रुपीज़ है, 4,000 से ज़्यादा का रूम नहीं ले सकते। आईसीयू की कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड जितने की भी जरूरत है एक्चुअल बेसिस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एम्बुलेंस की बात कर लें तो 750 रुपये पर एम्बुलेंस इसमें कवर्ड है, मैक्सिमम 1,500 रुपये तक। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आयुष्मान ट्रीटमेंट को भी बोलते हैं, जैसे आयुष्मान ट्रीटमेंट आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, इसमें 25% ऑफ सम इंश्योर तक का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 25,000 की इसमें लिमिट है, आप 25,000 रुपये तक का वो एक्सपेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, तो इस पॉलिसी के अंदर जितने का सम इंश्योर्ड आपने लिया है, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर सिर्फ एक इनिशियल वेटिंग पीरियड है, पॉलिसी लेने के 90 डेज बाद ही अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होगी तभी ये कवर होगा, पहले 90 डेज का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। लेकिन जब अगले साल से आप रिन्यूअल करेंगे तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। सर, पहले साल जब भी आप नई पॉलिसी लेंगे, फर्स्ट 90 दिन के अंदर अगर कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं होती है, उसके बाद ही क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन कवर रहेगा। वैसे नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो 3 बेसिक यूनिवर्सल सोर्स होते ही हैं सभी कंपनीज के अंदर। आज पॉलिसी लिए तो इनिशियल 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है। नंबर 2, आपका इनिशियल पॉलिसी लिए तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा, किसी भी बीमारी के लिए इलाज नहीं करा सकते, और अगर एक्सीडेंट की वजह से जरूरत पड़ेगी तो उसमें ना 24 घंटे की कंडीशन होगी और ना ही 30 डेज की, वो डे 1 से कवर होगा। उसमें 2 घंटे 4 घंटे भी एडमिट होंगे तो आप इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी को पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो वो बीमारी यहाँ पे 4 साल के बाद कवर होती है। और अगर कोई इनिशियल ऑपरेशन रिलेटेड नीड है, स्पेसिफिक ऑपरेशन कराने की जरूरत है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइन रिलेटेड इशूज, वो बीमारियाँ यहाँ पे 2 साल के बाद कवर हो जाती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं कुछ क्रिटिकल इलनेस बीमारीज के नाम आपको बता देता हूँ, जो बीमारी यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस के लिस्ट के अंदर आती है। इन बीमारी में से कोई भी बीमारी अगर पॉलिसी लेने के बाद होती है तो लमसम पैसा भी मिलेगा और उसका पूरा इलाज भी मिलेगा। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों चीजें होंगी, इलाज भी कैशलेस होगा और लमसम पैसा भी मिलेगा। इसमें कोई सर्वाइवल पीरियड नहीं है, जो कि बहुत अमेजिंग है। ज्यादातर क्रिटिकल इलनेस प्लान के अंदर 30 डेज जिंदा रहना जरूरी होता है, इसकी वजह से ज्यादातर वो प्लान बेकार होते हैं दोस्तों। मैं यहाँ स्पेसिफिक कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉलिसी में कोई भी सर्वाइवल पीरियड नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होने की वजह से बाई चांस वो बंदा मिसअप हो जाता है, मर जाता है, तो भी यहाँ पे लमसम पैसा भी मिलेगा। ज्यादातर पॉलिसीज क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि जिस दिन वो बीमारी डायग्नोस हुई उसके 30 दिन तक आप जिंदा नहीं रहे, तो उनका यहाँ सर्वाइवल पीरियड मैंडेटरी होता है। दिस इज द ओनली प्लान जिसमें कोई सर्वाइवल पीरियड कंडीशन नहीं है। क्रिटिकल इलनेस डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी टाइप का कैंसर कभी भी किसी भी सेवरिटी के अंदर होता है तो भी आपका क्रिटिकल इलनेस की डिसीज के अंदर आता है। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर निकल के आती है वो भी क्रिटिकल इलनेस डिसीज के अंदर काउंट होगी। क्रोनिक किडनी डिसीज है वो भी इससे रिलेटेड होगा।
आपका लीवर सिरोसिस से रिलेटेड कुछ है, लीवर से रिलेटेड कोई कंसर्न है, वो भी क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड होगा। इवन फर्स्ट हार्ट अटैक भी अगर डायग्नोज होता है तो वो भी क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में आता है, स्टंटिंग की जरूरत पड़ती है वो भी। आपका न्यूरो से रिलेटेड कोई कंसर्न हो, हार्ट से रिलेटेड बड़ी बीमारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई कंडीशन है तो भी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कंडीशन आती है वो भी इस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। केयर ब्रो वास्कुलर मेजर डिसीज के अंदर वो भी क्रिटिकल इलनेस कैटेगरी में आता है। एक्यूट माइकार्डियल वास्कुलर डिसीज, एस्टैब्लिशमेंट इरिवर्सिबल कोमा, एस्टैब्लिशमेंट इरिवर्सिबल क्वाड्रिप्लेगिया, ये वो कैटेगरीज हैं, ये वो बीमारियों के नाम हैं जो कंपनी क्रिटिकल इलनेस डिसीज के अंदर कवर करती है। ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप खुद ब्रोशर्स चेक कर सकते हैं, पॉलिसी वर्डिंग देख सकते हैं। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी बताया था दोस्तों। एडमिट होने से पहले का खर्चा यहाँ पर 30 दिन का कवर होता है, और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वो 7% ऑफ द हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर होता है, लेकिन इसमें रूम रेंट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। रूम रेंट को एक्सक्लूड करके जो बाकी अमाउंट बचता है उसका 7% और मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक इस पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 61 से 62-65 की एज में इस पॉलिसी को न्यूली लेता है, नई पॉलिसी लेता है, तो मैक्सिमम वो 2 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ले सकता है। 2 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड अलाउड नहीं है 62-61 की एज में। अगर किसी ने पहले पॉलिसी ले रखी है इस एज से पहले, तो वो लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकता है जितने लाख की भी ली हुई है। लेकिन एक कंडीशन और आ जाती है, जो लोग भी 62-61 में पॉलिसी लेंगे उनका 30% को पेमेंट मैंडेटरी रहेगा। ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अब एक्सक्लूजन की बात कर लेता हूँ। एक्सक्लूजन्स क्या है? एक्सक्लूजन जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट 30 डेज आपका, इसके बाद फर्स्ट 90 डेज क्रिटिकल इलनेस के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स इनिशियल वेटिंग पीरियड जो हमारा स्टोन कैटर हनी के लिए, और अगर किसी को पीईडी है पहले से, कोई पुरानी बीमारी है तो पहले 4 साल। अगर किसी को पहले से ही कोई क्रिटिकल इलनेस है, हार्ट से, बीपी से, या कोई हार्ट से, किडनी से, या कोई न्यूरो से रिलेटेड कोई कंसर्न है, उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते। एचआईवी एड्स किसी को है पॉलिसी नहीं दे सकते। कोई पहले से ही कोई अपना मेंटल डिसीज है, साइकेट्रिक डिसीज है, उनको पॉलिसीज नहीं दे सकते, ये परमानेंटली एक्सक्लूजन है। कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराना है, कोई वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कराना है, उस पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनी कॉन्जेनाइटल डिसीज जो बाय बर्थ डिसीज होती है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है। टीपीए की बात कर ले तो टीपीए इनहाउस है इस पॉलिसी का, स्टार खुद क्लेम सेटलमेंट करता है। क्लेम सेटलमेंट में बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, किसी भी तरह का इश्यू नहीं है। अगर ओवरऑल पॉलिसी की बात करूं, जेन्युइनली बहुत बढ़िया पॉलिसी है। प्रीमियम की बात करूं तो स्लाइटली प्रीमियम इसमें हायर साइड है, क्योंकि यहाँ पर 2 सम इंश्योर्ड मिल रहे हैं, एक तो इलाज करने के लिए और दूसरा लमसम मिलने के लिए। एक बार पूरी पॉलिसी में कभी भी आप लमसम पैसा ले लेते हैं तो उसके बाद उस बीमारी के लिए दोबारा नहीं यूज कर सकते, वो आपकी क्रिटिकल इलनेस का पैसा आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। ओनली सिंगल टाइम ही इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर रहेगा। पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। किसी को भी ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी लेनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।